नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी इम्यूनिटी पावर लो है तो उसको बढ़ाने के लिए होम्योपैथी का एक बेस्ट मेडिसिन है जिसका नाम है एलन 68 ड्रॉप। ये जो मेडिसिन है ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये जो मेडिसिन है ये आपकी कैसे आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, साथ ही में इस मेडिसिन में कौन से कंटेंट मिले हुए हैं जो आपको मदद करता है आपकी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए। लेकिन इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा, साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो एलन 68 ये जो ड्रॉप है ये एलन कंपनी का आता है, इसका पिक्चर मैंने वीडियो में लगाया है ताकि आसानी से इस ड्रॉप को आप पहचान सकते हैं। ये जो एलन 68 ड्रॉप है ये क्या करता है कि आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, तो उसको बढ़ावा देने का काम करता है और आपको जो वायरल या फिर बैक्टीरियल संक्रमण होता है उससे बचने में मदद करता है। साथ ही में ये जो एलन 68 ड्रॉप है ये क्या करता है कि आपकी एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है, आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाता है ताकि आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी बनी रहे। साथ ही में क्या करता है ये मेडिसिन कि आपके जो समय से पहले डीजेनरेट होने वाले सेल्स है, कोशिका है, उसको नहीं होने देता है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आपको अच्छे से मजबूत और स्ट्रांग रखने का काम ये मेडिसिन जो है ये करता है। साथ ही में ये मेडिसिन क्या करता है कि अगर कोई पेशेंट बार बार बीमार पड़ रहा है, उसकी इम्यूनिटी लो है, तो उस बीमारी को दूर करके उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। ये जो मेडिसिन है इसमें क्या होता है, अगर आपको वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण ज़्यादा देर के लिए रहता है और आप ठीक नहीं हो पाते हैं उस वक्त भी इस मेडिसिन का सेवन अगर आप करते हैं तो उस पुराने इन्फेक्शन से रिकवर होकर आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो बढ़ जाती है और आप हेल्दी और मजबूत बन पाते हैं। साथ ही में ये जो मेडिसिन है ये क्या करता है कि आपकी जो भी प्रतिरक्षा प्रणाली है उसके साथ साथ आपकी एनर्जी लेवल को भी बूस्ट करता है। तो ये जो मेडिसिन है इसमें कौन से होम्योपैथिक कंटेंट, होम्योपैथिक मेडिसिन मिले हुए हैं जो आपको मदद करता है आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली बनाने के लिए, आपके एनर्जी लेवल को इंक्रीज करने के लिए, साथ ही में आपको संक्रमण से, बैक्टीरियल या फिर वायरल संक्रमण से बचने के लिए मेडिसिन कैसे मदद करता है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो उसमें पहली मेडिसिन मिली हुई है वो है एकोनाइट। तो ये जो एकोनाइट मेडिसिन है ये क्या करता है कि जब भी कोई पेशेंट ठंडी हवा में, शीत हवा में जाता है तो उसको तुरंत सिर दर्द, तुरंत बुखार, तुरंत उसको संक्रमण के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पर ये एकोनाइट मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है अर्निका मोंटाना। ये जो अर्निका मोंटाना है ये क्या करती है कि आपके प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है, साथ ही में आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है यानी कि आपके हृदय से जो ब्लड पंप होता है जो पूरे बॉडी में फैलता है, तो उस सर्कुलेशन को बहुत अच्छी तरीके से नॉर्मल वे से रखने का काम यह अर्निका मोंटाना मेडिसिन करती है और इसलिए आपके प्रतिरक्षा प्रणाली को बूस्ट करती है और जहाँ पर भी हेल्दी टिश्यूज है, हेल्दी ऑर्गन्स है, उसको अच्छे से ब्लड प्रोवाइड करके उनको हेल्दी रखने का काम ये मेडिसिन जो है ये करती है। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है बेलाडोना। ये मेडिसिन जो है इसमें क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट अचानक से मौसम जो है उसमें बदलाव आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है और उसको तरह तरह के सिम्टम्स जो है वो चालू हो जाते हैं, यानी कि उसको बॉडी में दर्द होने लगता है, बॉडी एक होने लगता है, उसको सिर दर्द होने लगता है, बुखार आने लगता है, ऐसे सारे सिम्टम्स में ये बेलाडोना मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। और ये जो बेलाडोना मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि मौसम के बदलाव के वजह से अगर आपको संक्रमण होता है तो उसको अवॉइड करने का काम ये बेलाडोना मेडिसिन जो है ये हम करते हैं। नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है ब्रायोनिया। ये जो ब्रायोनिया मेडिसिन है ये भी हम बैक्टीरियल वायरल संक्रमण के लिए देते हैं जहाँ पर डैम्प वेदर या फिर शीत
मौसम जो है वो रहता है उस वक्त अगर पेशेंट को जो भी कंप्लेंट्स होते हैं, बुखार आता है, तो वहाँ पर ये मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या होता है कि ब्रायोनिया जो है इसके कंप्लेंट्स बहुत स्लो स्लो आते हैं, जैसे कि एकोनाइट और बेलाडोना के सिम्टम्स बहुत फास्ट आते हैं। इसमें क्या होता है एकोनाइट और बेलाडोना में कि तुरंत अगर पेशेंट मौसम के बदलाव में जाता है, वो ठंडी हवा में ठंडे मौसम में जाता है, तो तुरंत उसको बॉडी एक पूरे शरीर में दर्द महसूस होगा, सिर दर्द होगा और शाम को उसको बुखार भी आ जाएगा और सिर दर्द भी होने लगेगा। ऐसे सिम्टम्स हमको एकोनाइट और बेलाडोना में मिलते हैं, लेकिन उसी दिन उसको कंप्लेंट्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ब्रायोनिया में ये कंप्लेंट्स धीरे धीरे आते हैं, यानी कि मानो वो अभी डैम्प वेदर में या फिर मौसम के बदलाव में चला गया, ठंडी हवा में चला गया, तो उसको आज के दिन सिर्फ बॉडी दर्द होगा, शरीर में दर्द होगा, कल उसको सिर दर्द होगा और परसों उसको बुखार आएगा, वो बुखार भी धीरे धीरे आएगा। तो ऐसे सिम्टम्स अगर रहते हैं तो वहां पर हम ब्रायोनिया मेडिसिन देते हैं उस संक्रमण से बचने के लिए, या फिर जो भी कंप्लेंट्स बहुत स्लो आते हैं और कंप्लेंट्स बहुत स्लो जाते हैं, तो वैसे कंडीशन में हम ब्रायोनिया मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें मिला हुआ है वो है पैप्टिशिया। अगर कोई पेशेंट आपके ओपीडी में आता है और आपको बोलता है कि मेरे को बार बार टाइफॉइड होता है, टाइफॉइड से मैं जल्दी रिकवर नहीं हो पाता हूँ और बुखार जो है बहुत तेज रहता है, तो वैसे सिम्टम्स में हम बैप्टिशिया मेडिसिन देते हैं। ये बैप्टिशिया मेडिसिन क्या करता है कि टाइफॉइड का बार बार होने वाला संक्रमण जो है उससे आपको बचाता है और आपकी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है, ताकि आपको फिर से कोई वायरल संक्रमण जो है ना हो। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है जलसेमियम। इसमें क्या होता है अगर कोई पेशेंट आपके ओपीडी में आता है और बोलता है कि डॉक्टर मेरे को फ्लू हुआ था या फिर इन्फ्लुएंजा हुआ था, उसके बाद मैं रिकवर नहीं हो पा रहा हूँ, मेरी तबीयत जो है, मेरा शरीर जो है हमेशा दर्द करता है और मैं उस बीमारी से उबर नहीं पा रहा हूँ, मेरा शरीर हमेशा दर्द करता है और मुझे एनर्जेटिक फील नहीं होता है, हमेशा लो फील करता हूँ और आराम करने की इच्छा होती है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, और मेरे को ऐसे लगता है कि मेरा पूरा शरीर अभी भी बीमार है, उससे वो मैं रिकवर नहीं हो पा रहा हूँ, तो इन्फ्लुएंजा के बाद जो भी वीकनेस रहता है स्पेशली आपके पैरों में, तो उस वक्त ये जो जलसेमियम मेडिसिन अगर हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। पेशेंट जो है वो इन्फ्लुएंजा के बाद जल्दी से रिकवर होने में भी हम जलसेमियम मेडिसिन जो है वो दे सकते हैं, और अगर इन्फ्लुएंजा के बहुत सारे पेशेंट्स हैं तो प्रिवेंटिव तौर पर भी ये मेडिसिन जो है जलसेमियम हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हेल्दी पेशेंट्स जो होते हैं, हेल्दी लोग जो होते हैं, उनको ये इन्फ्लुएंजा का संक्रमण न हो, तो उनको प्रिवेंटिव तौर पर ये मेडिसिन जो है ये हम दे सकते हैं। नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है थूजा। ये जो थूजा मेडिसिन है ये क्या करता है कि आपके प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है और बहुत सारे रोगों से आपको बचाने में मदद करता है। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है नक्स वोमिका। ये जो नक्स वोमिका मेडिसिन है, जहाँ पर लोगों ने सेडेंट्री लाइफस्टाइल अपनाई है और उसके वजह से उनके शरीर पर बहुत सारे प्रभाव हुए हैं और उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कम हुई है, तो वहाँ पर हम नक्स वोमिका मेडिसिन जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है विस्कम। ये जो मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि ठंडी के मौसम में जब पेशेंट जाता है और उसके अचानक से सर्दी जुकाम की तकलीफें या फिर बुखार की तकलीफें होती है, तो वहाँ पर हम विस्कम ये जो मेडिसिन है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है इकनीशिया। इसमें क्या होता है कि अगर पेशेंट को सर्दी जुकाम या फिर बुखार की तकलीफें रहती है और उसमें इओसिनोफिल काउंट जो है वो बढ़ जाता है, तो वहाँ पर हम ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं और साथ ही में प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने का काम ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से करती है। नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है शिसैंड्रा और रोजमेरिनस। ये दोनों मेडिसिन आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है और साथ ही में आपको बैक्टीरियल और वायरल संक्रमण से बचाने का काम करती है। तो ये जो सारे होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने अभी बताए, तो ये इस एलन 68 ड्रॉप में मिले हुए हैं। तो ये जो एलन 68 ड्रॉप है इसका सेवन आपको कैसे करना है इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो ये जो एलन 68 ड्रॉप है लिक्विड फॉर्म में आता है, तो इस ये जो बॉटल है ये 30 ml की आती है, तो इसके 15
या 20 बूंद आप 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं। सुबह और शाम खाना खाने के आधे घंटे पहले या फिर आधे घंटे बाद इस मेडिसिन का सेवन जो है ये आप कर सकते हैं। ये मेडिसिन लगातार आप 1 या 2 महीने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं और आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है या फिर पोस्ट वायरल संक्रमण से आप जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तो इसमें बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई है जो आपके इम्यूनिटी को, एनर्जी लेवल को बूस्ट करने का काम करती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और ये वीडियो जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए जिनको भी इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है, एनर्जी लेवल बढ़ानी है या फिर पोस्ट वायरल संक्रमण से रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए वीडियो और ये मेडिसिन दोनों मददगार रहेंगे। साथ ही में मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। साथ ही में इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।